तो दोस्तों आज हम आए हैं हमारे गांव के किशोर मूर्तिकार के पास। तो चलिए दोस्तों, यहां की मूर्तियां लगभग कलर होना स्टार्ट हो गया है, आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए यहां अंदर जाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं जो कलर करते हैं, कलर होने के बाद कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारे मोहल्ले बस्ती पारा में जाएगा, ये बैठेगा, देख सकते हैं ये हनुमान जी और ये बप्पा जी का कुछ ऐसा ही स्वरूप बनाया गया है ये। और इधर चल रहा है ये बस, अभी पुट्टी हुआ है, इसका थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ये नगर खरोरा में जाएगा करके बता रहे हैं भाई। और ये देखो, और वो तो चल रहा है अभी बाबा भोलेनाथ का स्वरूप मोरा में जाएगा, और ये भी चल रहा है। और उधर कुछ कुछ है जो कलर हो रहा है, तो चलिए उसको भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं चल रहा है ये। देख सकते हैं लोगों का आना जाना लगा हुआ है, किस सीजन ही वहीं देखने के लिए आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये देखो ये भी बचा है, बहुत सी मूर्तियों का लगभग आँख ओपन करना बाकी है और नीचे में धोती को पहनाने बाकी है। ये देखो ये अपने मोहल्ले में जाएगा, ये मस्त लग रहा है कलर होने के बाद। ये देखो ये भी तैयार हो रहा है, कर रहे हैं भाई, ये कितना सुंदर दिख रहा है, जब कलर हो गए तो बहुत ही अच्छा लगेगा यार। और ये इसको देखो, ये भी कुछ कुछ बचा है, बाकी सब कंप्लीट है, ये देख सकते हैं ये। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर होने के बाद, देख सकते हैं भाई लोग कर रहे हैं कलर, बादल का छोटा भाई। तो चलिए उधर आ रहा है कुछ कुछ जो कलर है उसको दिखाते हैं आप सभी को, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं समुद्र मंथन वाला भी तैयार हो रहा है और इधर का कलर हो चुका है, आग भी मस्त ओपन हो चुका है, देख सकते हैं ये। तो चलिए शुरुआत से दिखाते हैं यहाँ की मूर्ति आप सभी को, जैसे कि देख सकते हैं ये मगरमच्छ पर विराजमान है बप्पा जी। और ये देखो इतना सुंदर दिख रहा है कलर होने के बाद, मूर्ति की सुंदरता में बहुत ही रौनक आ जाता है, कितना चमक आ रहा है देख सकते हैं। ये देखो ये डमरू में विराजमान है, ये अभी भी चल रहा है इसका काम, कुछ फिर फास बचा है। और ये देखो महादेव के साथ विराजमान है बप्पा जी, ये देखो आँख ओपन है तो कैसे लग रहा है, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है कलर होने के बाद। जैसे कि ये देख सकते हैं इधर भी है, देखो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मूसक महाराज के साथ विराजमान है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है कलर होने के बाद, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और उधर काम चल रहा है, ये देख सकते हैं उधर जो समुद्र मंथन वाला स्वरूप दिखाया गया है ना, ये नगर पंचायत खरवा के पुराना बस स्टेशन के पास जाएगा। ये देखो कुछ जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको ले गए हैं और बाकी बचा है उसको कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखो बाबा भोलेनाथ का स्वरूप ये है, और ये भी है, और वो अक्सर आप देखे होंगे कहीं भी ज़्यादातर मूर्तियाँ बाबा भोलेनाथ के स्वरूप का ही रहता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही दिखता है यार, ये देख सकते हैं ये इन सभी का आँख ओपन हो गया है, देखो ये इतना सुंदर लग रहा है सभी मूर्तियाँ, ये देख सकते हैं ये।
उधर का जो बड़ा बड़ा है ना वो बच्चा है, और इधर का जो है ना मीडियम साइज़ का वो सब बाकी कंप्लीट है, बस कुछ कुछ बस प्रोसेस बचा है, बाकी सब कंप्लीट है। ये देख सकते हैं ये गाइस, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से गांव से रिलेटेड ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।